Hello everyone. Just let me know if I'm audible or not. Okay, so hi everyone, a very very good afternoon and good evening to all. Sorry for the delay, क्लास 2 बजे शुरू होने वाली थी बट पावर फेलियर हो गया था. यहाँ पर एक्चुअली आसपास मेट्रो का काम चल रहा है तो पावर फेलियर हो गया था, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया. तो जैसे ही पावर रिस्टोर हुई है मैंने क्लास तुरंत स्टार्ट कर दी है. तो अगर आप मुझे क्लियरली सुन पा रहे हो आज की क्लास में, आज मैंने माइक्रोफोन देखे लगा लिया है ढूंढ डान के, तो जस्ट लेट मी नो. तब तक मैं भी जरा एक बार देख लूँ कि ऑडिबल है कि नहीं सब कुछ. सो यस, हेयर इट शुड बी. नो, कहाँ गया डिले के लिए, आई एम सो सॉरी. यस, हेयर इट इज, राइट. हाय ऋषिकेश, हाय हाय हाय. ओके, यस, हियर इट इज, राइट. सो आई थिंक हाँ हाय ऋषिकेश, हाय हाय हाय. वॉइस इज परफेक्ट ना. सो आई थिंक ठीक है. सो वेलकम ऑन अकेडमी, माई सेल्फ ऋषिश एंड लेट्स स्टार्ट क्रैकिंग द एग्जामिनेशन विद द कोड ऋषिश 10. तब तक मैं इसको शेयर कर देता हूँ, तब तक आप लोग ज्वाइन होइए सच दैट कि और लोग के पास भी नोटिफिकेशन पहुंच जाए. मैं क्लास नोट शेयर कर दिए हैं, ठीक है. तो मेक श्योर कि आप उस पर लुकआउट कर लें. जो जो भी लिंक होगा क्लास का, मैं उसमें क्लास के नोट शेयर करता जाऊंगा, राइट. सो आप तब तक बात कर लें तो कुछ अन अकेडमी के फीचर्स के बारे में. तो यहां पर आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो ये फीचर के साथ. आस्क अबाउट फीचर, अनलिमिटेड डाउट किसी भी वक्त, यू विल बी गेटिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सॉल्यूशंस, राइट. एंड ओके, सो मैं आज परफेक्टली ऑडिबल तो हूँ. हाय ऋषिकेश, ये क्यों नहीं जा रहा है, लिंक क्यों नहीं जा रहा है. सो ये फीचर जो अनअकैडमी का है ना, इसमें आप अनलिमिटेड डाउट पूछ सकते हो किसी भी टाइम. यू बी गेटिंग हाई क्वालिटी ऑडियो वीडियो सोल्यूशन इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. रिसीव एग्जैक्ट मैचेस फॉर योर क्वेश्चन, ऑप्टेन इंस्टेंट एंड एक्यूरेट सोल्यूशन एंड गेट असिस्टेंस फॉर योर होमवर्क. सो सर मुझे एक मिनट मौका दीजिए. मैं ये शेयर कर दूं इसको. शेयर क्यों नहीं हो रहा आज? आज ये नेटवर्क का बड़ा लोचा हो जाता है और फिर उसके बाद में ये देखिए नेट भी सही से काम नहीं कर रहा है. मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है ये बता दीजिए मुझे जरा एक बार. ले लो भाई. जरा मुझे एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरी आवाज आप तक आ रही है. कल के क्लास के बाद मैंने इसको ठीक कर लिया था. देखिए अब आज क्या, और ये क्लास शेयर नहीं हो रही है. चलिए कोई नहीं.
चलिए बात करते हैं अगले फीचर कैन अकेडमी की. तो वी हैव टू प्लान्स टू ऑफर, वन इज द प्लस प्लान, अनदर वन इज आइकॉनिक प्लान. प्लस में आपको मिलेगा लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग, इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज सिलेक्शन, रैंक इंप्रूवमेंट बैचेस. और आइकॉनिक में आपको मिलेगा प्लस के सारे बेनिफिट्स, इंक्लूडिंग स्टडी प्लानर, पर्सनल कोच, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल, स्टडी बूस्टर सेशंस एंड पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस. सो जो हमारी ये प्लान्स हैं, देखिए प्लस के साथ एक और खूबी है कि इट्स अ लाइव मेंटरिंग प्रोडक्ट वेयर यू कैन डिस्कस योर डाउट्स, क्लेरिफाई योर कॉन्सेप्ट्स एंड एनहांस एंड इंप्रूव योर एग्जाम स्ट्रैटेजी विद जस्ट अ सिंगल क्लिक. सो ये टेलीग्राम में आज लिंक शेयर नहीं हो रही है. क्लियर है? हाय क्रांति, ठीक है, क्लियर है ना? एक्चुअली आप लोग की वही नेटवर्क का इशू, आज 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 टेलीग्राम में लिंक ही शेयर नहीं हो रहा है. आई डोंट नो व्हाई, व्हाट्स रॉन्ग, बट लेट मी सी, ये लिंक शेयर ही नहीं हो रहा आज. हर बार एक ही बार में हो जाता है, आज कुछ ज्यादा ही भाव खा रहा है टेलीग्राम भी. चलिए इसको भाव खाने देते हैं टेलीग्राम को, और हम लोग अपना काम आगे बढ़ाते हैं. मैंने शेयर कर दिया लिंक, आप देख लीजिएगा. नोट्स भी शेयर कर दिए, ठीक है, सारे के सारे नोट्स भी शेयर कर दिए हैं. तो आप लोग एक बार जरा अपनी पैनी निगाहों के साथ देख लीजिएगा. सर जिनकी निगाह, जिनको चश्मा लगा हुआ है नहीं, वो सबके लिए, सबके लिए एक ही चीज है वो. तो रशीश 10 का कोड अगर आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको डिस्काउंट मिलेगा. एज यू नो कि भाई प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं, बट कोई बात नहीं, प्राइजेस भले इंक्रीज हुए हैं बट आप लोग के लिए हमेशा कुछ ना कुछ ऑफर्स रहता है. तो इस बार भी आपके लिए ढेर सारे ऑफर्स वैलिड रहने वाले हैं. तो पहला ऑफर जो आपके लिए है, दैट इज, पहले आप एक बार प्राइस देख लीजिए. प्राइस से पहले हम लोग कुछ अपने बैचेस के बारे में बात कर लेते हैं. तो ये एक नए बैचेस है. जब आप जब भी अन अकेडमी आप ज्वाइन करते हो, हमेशा आपको एक नया ही बैच अलॉट होगा. और दैट विल बैच विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू टू क्रैक योर एग्जामिनेशन फॉर करंटली 2023 के लिए. बैचेस हमारे यहाँ शुरू हो चुके हैं, ये कंबाइंड बैचेस हैं CSIT मैकेनिकल और सिविल के लिए, राइट. और देन ये सब्सक्रिप्शन है 24 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 6 महीने, 3 महीने. आइकॉनिक में भी आपको 24 महीने, 18 महीने, 12 महीने, 3 महीने. एक चीज याद रखिए कि जो प्लान्स हैं वो अराउंड 2000 रुपए के आसपास शुरू हो रहे हैं 24 महीने के लिए, और आइकॉनिक में अराउंड 3500 रुपए शुरू हो रहा है 2 महीने के लिए, 2 साल के लिए, राइट. तो आप लॉन्ग टर्म के लिए प्लान कर सकते हैं, बट सबसे ज्यादा रिकमेंडेड प्लान आपको 12 मंथ का होता है, जो कि आपको ओवरऑल पूरा कवरेज देता है और यहाँ पर आप पूरा सीख सकते हो. तो सेम चीज आप यहाँ पर भी दोनों सब्सक्रिप्शन में देख सकते हो. बात करते हैं जो ऑफर करंटली अनअकैडमी रन कर रहा है. इन केस अगर आप 3 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी पोटेंशियल सेविंग अराउंड 6400 रुपीज की हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर 3 महीने का सब्सक्रिप्शन के साथ साथ आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलता है. और अगर आप रेफरल कोड यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको आपकी अच्छी खासी पोटेंशियल सेविंग और हो जाएगी. तो मेक श्योर कि अगर आप इस ऑफर पे जा रहे हैं तो आप इस चीज को लुकआउट जरूर करें, राइट. बात करते हैं स्पेशल प्राइस वीक के लिए. तो यहाँ पर आपको सक्सेसिव 10% के डिस्काउंट मिलने वाले हैं 12 मंथ, 18 मंथ, 24 मंथ में. एंड इसको भी आप डेफिनेटली लुकआउट करिए, अ वेरी गुड प्लान. एंड ये बेसिकली उन बच्चों के लिए है जो लोग थोड़ा लंबे के लिए प्लान कर रहे हैं, तो ये काफी अच्छा उनके लिए मौका हो सकता है अभी भी उन रिड्यूस प्राइसेस पे चीजों को खरीदने का. आइकॉनिक और प्लस दोनों के लिए रजिस्ट्रेशन का यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपको अच्छा खासा पोटेंशियल सेविंग मिल जाएगी. बट इन केस अगर आप टेस्ट दे के आना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि सर मुझे और डिस्काउंट चाहिए, तो आप इस मंथ का, इस 14th November का बाल दिवस का कमबैक जरूर दीजिएगा. यहां पर 15% आपका गारंटीड डिस्काउंट तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, बट अगर आप और अच्छा परफॉर्म करते हैं तो आपका डिस्काउंट और भी ऊपर शूट अप कर सकता है. तो 14 November 11 बजे इसको मत भूलिएगा, 20 क्वेश्चन, 60 मिनट और 15% का गारंटीड डिस्काउंट. नाउ ये मेरी प्रोफाइल है. और स्पेशल क्लास के फीचर्स के बारे में बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा इंट्यूटिव सेशन, पोल्स, रेज अ हैंड फीचर, नेवर मिस अ क्लास नोटिफिकेशन, लेक्चर नोट्स, और आप इनको कहीं भी कभी भी अटेंड कर सकते हो. ये टेलीग्राम ग्रुप है, मैंने यहाँ पर लेसन 1 के जो नोट्स हैं वो अपलोड कर दिए हैं, ठीक है. रशीश 10 टेलीग्राम में डालोगे आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा. चलिए
बात करते हैं फटाफट से, जरा एक बार क्विकली रिकैपिचुलेट कर लेते हैं कि कल की क्लास में हम लोग ने क्या किया था। तो वी हैव सीन अ ओवरऑल सिलेबस कवरेज, देन मार्क्स का जो भी डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर पहला टॉपिक था हम लोग का रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इन विच द अमाउंट ऑफ हीट इज टू बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन पर्टिकुलर टेम्परेचर इन अवर स्टोरेज पे लोअर दैन इट्स अराउंडिंग। सो ये रेफ्रिजरेंट है, उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए ये वर्किंग एजेंट काम करता है बेसिकली, जो कि हीट एब्जॉर्ब करता है। देन हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर सीओपी और ईपीआर के बारे में। सो सीओपी और ईपीआर मतलब कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस और एनर्जी परफॉर्मेंस रेशियो, विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन दी वर्क इनपुट। सो यहाँ पर हम लोगों ने डिजायर्ड इफेक्ट देखा था कि सेम डिवाइस हमारे लिए हीट पंप का भी काम कर रही है और सेम डिवाइस हमारे लिए एज अ रेफ्रिजरेटर का भी काम कर रही है। सो मैक्सिमम सीओपी क्या थी, टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल, दिस इज एज अ व्हेन दिस डिवाइस इज वर्किंग एज अ हीट पंप। एंड सीओपी जो मेरे पास हीट पंप की रहने वाली है, वैसे मतलब इनिशियली हम लोग ये ऊपर वाला रिलेशन यूज करेंगे, बट अगर हम लोग को कभी बोल रखा है कि मैक्सिमम पॉसिबल सीओपी हाईली एफिशियंट और रिवर्सिबल, तो हम लोग इस सेकेंड रिलेशन का इस्तेमाल करेंगे। देन वी हैव प्रूव दिस रिलेशन, एंड उससे पहले हम लोग ने एक चीज और प्रूव करी थी कि हीट पंप की सीओपी और रेफ्रिजरेटर की सीओपी के बीच में क्या रिलेशन है। सो 1 + सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू, मतलब गर्म इज इक्वल ठंडा प्लस 1, याद रखिएगा। और ये तभी एप्लीकेबल है जब हम लोग यहाँ पर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर की बात करने वाले हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन देखा था और इस क्वेश्चन से हम लोग ने ये एक और रिफाइंड रिलेशन निकाला था कि अगर सेम टेम्परेचर लिमिट्स के अंदर की बात करेंगे तो सीओपी ऑफ अ हीट पंप इज इक्वल टू सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन एफिशिएंसी ऑफ अ हीट इंजन। सो दिस पर्टिकुलर रिलेशन इज वैलिड अंडर द सेम टेम्परेचर लिमिट्स। Then we have studied about the ideal refrigeration cycle or the reverse Carnot cycle. So Carnot के नाम में A है और T है, A stands for reversible adiabatic और T stands for isothermal. So reversible पर adiabatic is also called an isentropic, जो कि एक square rectangle बनती है हमारे TS diagram में, ठीक है। फिर हम लोग ने ये प्रूफ करा था कि how, what is the relation for the COP इन केस ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल सिनेरियो और इन द केस ऑफ हाईली रिवर्सिबल डिवाइस और आइडियल सीओपी, इसके बारे में हम लोगों ने यहां पर बात करी थी। टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल एक रिलेशन निकल के आया था। फिर कुछ हम लोगों ने नोट्स पढ़े थे कि सीओपी ऑफ अ रिवर्सिबल कार्नोट साइकिल इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर लिमिट्स ओनली। If n number of refrigerators are working between the same temperature limits, then the value of reverse Carnot cycle is same for all the cycle. And reverse Carnot COP is independent of the working fluid. Then producing ice की बारे में बात करी थी कि COP of a refrigerator in winters is more than that of summer because the high rejection temperature at higher temperature is मैक्सिमम इन समर, राइट। तो ये इसका रीजन था, तो assertion रीजन के बारे में ही क्वेश्चन था, आज आपको क्वेश्चन ये मिलेगा। सो यूनिट ऑफ रेफ्रिजरेशन के बारे में बात करी थी, विच इज डिफाइंड एज द 1 ton ऑफ रेफ्रिजरेशन, द अमाउंट ऑफ हीट विच इज टू बी एक्सट्रैक्टेड इन ऑर्डर टू मेंटेन 0 degree इन ऑर्डर टू कन्वर्ट 1 ton ऑफ वाटर at 0 degree centigrade into its equivalent ice at 0 degree centigrade in 24 hours. Then ek relation dekha tha, 1 TR is equal to 3.5 kilojoules per second, is equal to 210 kilojoule per minute, 50 kilocalorie per minute and 12,000 BTU per hour. Clear hai? Then फिर कुछ key points देखे थे हम लोग ने, और ये देखा था water की anomalous properties, क्योंकि इसका पीटी ग्राफ पे जहां पर ट्रिपल पॉइंट एक पॉइंट होता है वहां पर इट इज अ हैविंग अ नेगेटिव स्लोप, राइट। और डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम एट 4 degree centigrade। देन कुछ प्योर सब्सटेंसेस के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे कि ये डोम किसके लिए बनेगा, जो भी मेरे पास वर्किंग फ्लूइड है वो फेस चेंज करेगा, ठीक है। अब ये डोम आप रिवर्स ब्रेटन साइकिल में नहीं बनाएंगे क्योंकि वहां पर एयर है और एयर अपना फेस चेंज नहीं कर रही है, ठीक है। देन कुछ बात करी थी क्रिटिकल पॉइंट के बारे में हम लोग ने, ड्राइनेस फ्रैक्शन के बारे में कुछ बात करी थी,
or which is defined as the ratio of vapor to the total mass of the mixture, right? और ये saturated के लिए, saturated liquid के लिए ये 0 होता है, saturated vapor के लिए 1 होता है, और critical point पे ये undefined रहता है, ठीक है? चलिए, तो आज हम लोग अब कुछ और बात करते हैं. तो basically हमारे पास कितनी properties हैं? तो अगर मैं किसी भी TS chart को बनाऊंगा तो हमारे पास क्या क्या properties, देखिए, या तो हमारे पास fluid state होगी या तो मेरे पास gaseous state होगी. तो देखिए क्या क्या प्रॉपर्टीज हम लोग अपने आरएसी में डील करेंगे. स्पेसिफिक एंथैल्पी, स्पेसिफिक एंट्रोपी, स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एंड स्पेसिफिक वॉल्यूम, ठीक है? तो ये बेसिकली हमारे पास ये पैरामीटर्स रहने वाले हैं और इन पैरामीटर से ही हम लोग अपने सारे कैलकुलेशन करेंगे पूरा एयर कंडीशनिंग तक. सो बेसिकली हमारे पास दो स्टेट होगा, फ्लूइड लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट और वेपर स्टेट. मैं इसको जी बोल दे रहा हूं, जी लिख दे रहा हूं, ठीक है? जहां मैं एफ बोलूंगा तो एफ का मतलब यहां पर क्या हुआ, सैचुरेटेड लिक्विड, और जब मैं जी बोलूंगा तो मैं यहां पर एक स्टेट के बारे में बात करूंगा, सैचुरेटेड वेपर, ठीक है? चलिए अब बात करते हैं यहां पर एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक एंथैल्पी एंड स्पेसिफिक एंट्रोपी फॉर वेरियस स्टेट्स एक्सप्रेशंस. एक्सप्रेशंस ऑफ स्पेसिफिक एंट्रोपी एंड स्पेसिफिक एंथैल्पी, इनके एक्सप्रेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि जितना भी कैलकुलेशन होगा हम लोग इसके हिसाब से अपने चार्ट में करने वाले हैं. तो फिर ये कहां पर होगा, सबसे पहले टीएस डायग्राम बना के देखो. टीएस डायग्राम जैसे ही मैंने बना के देखा, आज आवाज मेरी अच्छी आ रही है ना, अजीब सी तो नहीं आ रही ना, ये डोम हो गया. सो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के बारे में यहां पर बात करेंगे, क्या क्या आपको कैलकुलेशन में रिक्वायर्ड होने वाला है. सो ये कुछ ऐसा अच्छा, ठीक है? तो कल की तरह यहां पर फिर से हम लोग अपना लाएंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट. ई पॉइंट कहां है, सुपर हीटेड स्टेट में. ए पॉइंट कहां है, सबकूल्ड, अंडरकूल्ड और कंप्रेस लिक्विड स्टेट में. बी कहां पर है, सैचुरेटेड लिक्विड कर्व पे, और डी कहां है, सैचुरेटेड वेपर कर्व पे, और पॉइंट नंबर सी कहां है, वेट स्टेट पे, ठीक है? क्लियर है? चलो अब एक चीज यहां पर मुझे ये बताओ कि HB की वैल्यू क्या होने वाली है. कुछ पैरामीटर्स हम लोग यहां पर देखने वाले हैं, HB की वैल्यू क्या होने वाली है. सर HB की वैल्यू वही होगी, दैट इज HF, ठीक? ध्यान दीजिएगा, आपको टेबल दी जाएगी स्टीम चार्ट में, तब आपको देखना होगा HB की वैल्यू HF होगी. सिमिलरली HD की वैल्यू क्या होने वाली है, HG, ठीक? अब बात करते हैं वेट रीजन की, वेट रीजन की. सो एचसी की वैल्यू क्या होने वाली है, एचसी, ये मेरे पास कहां आता है, वेट रीजन में आता है. सो एचसी की वैल्यू क्या होने वाली है, एचसी की वैल्यू एचबी प्लस ड्राइनेस फ्रैक्शन टाइम्स ऑफ एचएफजी. तो जहां पर भी मैं ये एचएफजी लिखूंगा वहां पर होगा ये HFG, मतलब कि HG, हायर माइनस लोअर, सिंपल, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, हायर माइनस लोअर, बस इतना लिख देना है. क्लियर है? ठीक है, ये आ गया मेरे पास यहां पर, इतना क्लियर है ना? अब बात करते हैं यहां पर H की, H का रिलेशन आ गया B पॉइंट पे, C पॉइंट पे, D पॉइंट पे. अब E पॉइंट पे रिलेशन निकालते हैं. So, H, D, कोई ट्राई करेगा, वॉट इज द वैल्यू ऑफ एच डी, सुपर हीटेड स्टेट, सॉरी एच ई, सुपर हीटेड स्टेट पे मेरे पास क्या एक्सप्रेशन आने वाला है एंथैल्पी का, कौन ट्राई करेगा क्लास में, सुपर हीटेड, बताइए. सो सबसे पहले एच ई पर पहुंचना है, पहुंचने के लिए कहीं से चलना पड़ेगा, कहां से चलेंगे
हमारे पास नोन पॉइंट क्या है, डी पॉइंट, तो एच डी से चलना पड़ेगा, एच डी से चलना पड़ेगा। अब बताइए क्या लिखूं यहां पर इसके आगे, प्लस ऑब्वियस होता है चलना पड़ रहा है तो प्लस, ठीक है। तो बताइए अब मैं क्या लिखूं, एच ई का एक्सप्रेशन क्या लिखूं, कोई तो बताओ क्लास में। एच की वैल्यू क्या होती है फॉर फॉर एन आइडियल गैस, सीपीटी, सीपीटी होती है, तो याद रखिए यहां पर मैं लिखूंगा सीपी टीई माइनस टीडी, ठीक है। बढ़िया, एक्सप्रेशन गलत है, अभी गलत इसलिए एक्सप्रेशन है क्योंकि मैंने तो बोल दिया कि ये किसके कौन सा स्टेट है, ये वेपर स्टेट है, ये कैसा स्टेट है, ये वेट रीजन है, ये कैसा स्टेट है, ये लिक्विड रीजन है। मैं ये क्रिटिकल पॉइंट के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, ये सीआर क्रिटिकल पॉइंट है, ठीक है। तो यहां पर जो सी होगा ना वो सीपी वेपर होगा, याद रखिएगा यहां पर जो सी होगा वो सीपी वेपर होने वाला है, ठीक है। जो सीपी स्पेसिफिक हीट एट कॉन्स्टेंट प्रेशर ड्यूरिंग दी वेपर स्टेट, याद रखिए अलग होगा ये, ठीक है। और एच डी की जगह मैं यहां पर क्या लिख सकता हूं, एच डी की जगह मैं आराम से यहां पर एच जी लिख सकता हूं, ठीक है। एच डी की जगह एच जी लिख सकता हूं क्योंकि मैंने भी आपको एच डी लिखना तो सिखाया ना, कहा गया हाँ ये देखिए मैंने आपको यहां पर एच डी लिखना तो सिखाया ना, अभी कुछ क्लियर हुआ खाया ना, चैट बॉक्स में बोलो ना तभी मुझे पता चलेगा, तभी मैं आगे बढ़ू। बताइए अब ई पॉइंट की इंथैल्पी आ गई, डी पॉइंट की इंथैल्पी आ गई, सी पॉइंट की इंथैल्पी आ गई, बी पॉइंट की इंथैल्पी आ गई, अब ए पॉइंट की इंथैल्पी निकालनी है। बताइए, हाँ बकर तुम्हारे वो नोट्स अपलोड कर दिए मैंने, देख लेना, ठीक है। टाइमिंग चेंज नहीं हुई है, मैंने बताया एक्चुअली हुआ क्या कि वो पावर फेलियर हो गया था, मैं 2 बजे ही क्लास कर रहा था, जैसे ही मैंने क्लास शुरू करा उससे ठीक पहले पावर फेलियर हो गया, तो थोड़ी देर पहले ही पावर रिस्टोर हुई है अभी यहाँ पर, यहाँ मेट्रो वेट्रो काम चल रहा है ना कानपुर में, तो थोड़ा सा वो पावर का बड़ा फ्लक्चुएशन रह जाता है कभी कभी, मेरे घर के पास ही चल रहा है, मतलब बहुत पास ही है मेट्रो स्टेशन, यहाँ पर भी काम चल रहा है तो वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट रहती है पावर, तो ये प्रॉब्लम हुई इसलिए मैं क्लास नहीं ले पाया, जैसे ही पावर आई तुरंत मैंने क्लास ली, तभी मैंने आपका वो भी अपलोड कर दिया। पावर टाइमिंग वही है, देखिए डिले हो सकता है बट मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा था, लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिए, ठीक है। चलिए अब एच ए की बात करते हैं, यहां पर एच ए पॉइंट नंबर ए, एच ए की बात करी जाए, एच ए पॉइंट की यहां बात करी जाए, तो एच ए पॉइंट कहां पर है, सबकूल्ड रीजन में और अंडरकूल्ड, और कंप्रेस्ड लिक्विड, कंप्रेस्ड लिक्विड स्टेट में। सो एच ए का जो एक्सप्रेशन होगा दैट विल बी नथिंग बट, देखिए एच ए के लिए मुझे एच ए तक पहुंचना है तो कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट होना चाहिए, पॉइंट नंबर बी मेरे लिए रेफरेंस पॉइंट होगा, ठीक है, क्योंकि मुझे एच बी की वैल्यू पता है, एच बी को दूसरी भाषा में क्या बोलेंगे, एच एफ, एंथैल्पी एट द सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन। अब बताइए इसके पीछे चल रहे हैं कि इसके आगे जा रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, पॉइंट नंबर बी से पीछे चल रहे हैं, ठीक है। देखिए एक्चुअली मैं आपको थोड़ा सा एक यहां पर हिंट दे देता हूं, सपोज यहां कहीं मेरे पास ट्रिपल पॉइंट है, ट्रिपल पॉइंट है, ठीक है, 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड में मेरा कहीं पर यहां पर ट्रिपल पॉइंट है,
ट्रिपल पॉइंट से जो पॉइंट जितना दूर होगा उतनी ज्यादा उसकी इंथैल्पी होती है। तो पॉइंट नंबर बी जो है वो ट्रिपल पॉइंट से ज्यादा दूर है एज कंपेयर टू पॉइंट नंबर ए, तो पॉइंट नंबर ए की जो इंथैल्पी होगी वो पॉइंट नंबर बी से कम होगी, तभी मैं यहां पर माइनस साइन यहां पर लिख रहा हूं। ठीक है, ये देखिए माइनस साइन, माइनस साइन, समझिएगा चीजों को। ठीक है, माइनस साइन। अब यहां पर वही आ जाएगा सीपी टी हायर माइनस टी लोअर, सो टीबी माइनस टीए, देख लीजिए सीपी टीबी माइनस टीए। ठीक है, टीबी टी हायर माइनस टी लोअर। अच्छा, यहां पर जो सीपी होने वाला है वो कोई मामूली सीपी नहीं होगा, मतलब कोई वो ऐसा ही सीपी नहीं होगा, वो बेसिकली होगा सीपी लिक्विड वाला। वेपर के केस में सीपी वेपर था, दोनों आपको अलग अलग दिए जाएंगे, वहां पर लिखा होगा क्वेश्चन, जरूरत होगी। इंथैल्पी एट ई बताया तो सुपरहीटेड स्टेट पे एच डी एच जी प्लस सीपी वेपर टी हायर माइनस टी लोअर। ये तो एक्सप्रेशन मेरे पास आ गए किसके, एच के। अब प्रॉब्लम आपको करने वाला है एक्सप्रेशन स्पेसिफिक एंट्रोपी के, ये आपको याद रखने हैं, अगर आप नहीं याद रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर आपको, है ना। बढ़े आगे, चलिए तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहां पर एस ए एस स्पेसिफिक एंट्रोपी के। तो जो एस बी होगा, एस बी होगा, देखिए मैं यहां पर इसको लिख देता हूं, एस बी जो होगा वो होगा एस एफ, और जो एस डी होगा वो एस जी, वो एस जी होगा। ठीक है, एस बी जो होगा वो होगा एस एफ और जो एस डी होगा वो होगा एस जी। ये क्लियर है, डी होगा वो होगा एस जी। आई होप इट, ओके फाइन। सो हाँ, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ऋषिकेश, मैं ये कह रहा था कि ट्रिपल पॉइंट से टीएस डायग्राम पे ट्रिपल पॉइंट से जो पॉइंट जितना दूर होगा उसकी उतनी ज्यादा एंथैल्पी होगी, समझे। ट्रिपल पॉइंट हमारा रेफरेंस पॉइंट होता है यहां पर, ठीक है, समझे क्या कहना चाह रहा हूं मैं। चलो अब यहां पर लिखते हैं एस सी, वेट रीजन के लिए एंथैल्पी का रिलेशन लिखते हैं। सो एस सी दिस इज फॉर वेट रीजन, सो वेट रीजन के लिए दिस विल बी नथिंग बट रेफरेंस पॉइंट विल बी एस जी, एस जी या फिर मैं डायरेक्टली यहां पर लिख दे रहा हूं एस एफ प्लस एक्स टाइम्स ऑफ एस एफ जी इज ऑल्सो इक्वल टू एस एफ, एस एफ पॉइंट चलेंगे, एस एफ पॉइंट कौन सा है, एस बी, एस एफ पॉइंट एस बी है, ठीक है, एस सी तक पहुंचना है तो बी से चल रहा हूं, और ये एक रिलेशन और होता है, ये रिलेशन को बहुत याद रखिएगा, जो मैंने ऊपर अभी रिलेशन लिखा है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, अच्छे क्वेश्चन में आपको ये मिलेगा। कब का है ये, वेट रीजन का है, वेट रीजन का। वेट रीजन का ये रिलेशन, क्लियर। ठीक है, समझे ना, ये एस एफ जी इज इक्वल टू एच एफ जी अपॉन टी सैचुरेशन कैसे आया। ठीक, चलो अब यहां पर लिखते हैं रिलेशन हमारा। देखो आपने ये चीज, एक्स क्या है, अरे वकर ड्राइनेस फ्रैक्शन, ड्राइनेस फ्रैक्शन है ये, ओके। अब एक चीज देखो ध्यान से, अगर मैं यहां पर बात करूं टी डी एस इज इक्वल टू डी एच माइनस ऑफ वी डी पी,
कांस्टेंट प्रेशर लाइन की बात कर रहे हैं, ये तो बहुत गलत बात है, ये भूलोगे तो फिर हो गया काम, ये जीरो हो गया कांस्टेंट प्रेशर लाइन ना। अगर मैं इस पर्टिकुलर प्रेशर के बारे में बात करूं, ये प्रेशर इज इक्वल टू कांस्टेंट है, लेट्स से पी वन है कोई, और ये टेम्परेचर करस्पॉन्डिंग इसका क्या है, यहां पर बी से लेके डी तक टी बी इज इक्वल टू टी सी इज इक्वल टू टी डी इज इक्वल टू कैपिटल टी। मैंने सिर्फ कैपिटल टी बोल दिया, टी सैचुरेशन बोल दिया था, तभी मैंने यहां पर देखिए टी टी लिखा हुआ है ना। तो कांस्टेंट प्रेशर लाइन है तो डीपी जीरो होगा, ए से लेके ई तक कांस्टेंट प्रेशर लाइन है, डीपी जीरो होगा, तो यहां से आपके पास आ जाएगा टी डी एस इज इक्वल टू डी एच। डी एच क्या होता है, मैं बेसिकली डीएच कहां लगा रहा हूं, मैं लगा रहा हूं वेपर स्टेट पे, तो वेपर स्टेट पे आइडियल गैस इक्वेशन वैलिड होती है, तो यह आ जाएगा सीपीटी, ठीक है सीपीडीटी। तो यहां से आपके पास देखिए क्या आ जाएगा, डीएस इज इक्वल टू सीपीडीटी अपॉन टी, इंटीग्रेट करोगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये कहां इंटीग्रेट करोगे तो क्या आएगा, लॉग के टर्म्स में आएगा। अब देखो यही चीज दिखाना चाह रहा था आपको कि अगर मैं यहां पर एस ई पॉइंट लिखता हूं, एस ई, तो उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, सैचुरेटेड वेपर कर्व। सैचुरेटेड वेपर कर्व में क्या होता है, एस जी प्लस एक्स टाइम्स ऑफ, एक्स टाइम्स ऑफ, बताइए क्या लिखूं यहां पर, एक्स होगा, नहीं यार सैचुरेटेड सॉरी सुपर हीटेड कंडीशन में एक्स कहां से आ जाएगा, ये तो सुपर हीटेड कंडीशन है ना, सुपर हीटेड सॉरी वेपर वेपर वाला जो मेरे पास रीजन है और लिक्विड रीजन है, यहां पर कोई भी ड्राइनेस फ्रैक्शन का रेशियो नहीं आता। टी तो यहां पर आ जाएगा आपका सीपी लिक्विड, याद रखिएगा सॉरी सीपी वेपर, लॉग ऑफ टी बाय ए बी सी डी टी डी, ठीक है। अच्छा सुनो, मैं यहां पर टी डी की जगह टी डी टी डी टी सी और टी बी एक ही टेम्परेचर है, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस रिलेशन को याद रखिएगा, ये रिलेशन आप भूल मत जाइएगा, ये रिलेशन आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो मैंने भी लिखा हुआ है, ये रिलेशन कहां के लिए वैलिड है, दिस रिलेशन इज वैलिड फॉर द वेपर रीजन, आपको क्लियर हुआ ये कैसे आया। देखिए मैं यहां पर एस जी इसलिए लिख दे रहा हूं, मुझे यहां पर टेक्निकली एस डी लिखना चाहिए था, बट मैं एस जी इसलिए लिख दे रहा हूं क्योंकि मुझे पता है एस डी इज नथिंग बट एस जी, अरे कुछ समझ में आया आया ना, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है। चलो अब ऐसे पॉइंट का लिखो, ऐसे पॉइंट आप लोग लिखिए, अब याद रखिएगा ऐसे पॉइंट के लिए आपके पास रेफरेंस पॉइंट क्या है, बी पॉइंट, तो बी पॉइंट से पीछे आएंगे आप, ठीक है। अब करो, अब मुझे यहां पर आप लोग अपनी कॉपी पे सब लोग पहले पहले ध्यान से एक बार देख लो, इस ग्राफ को देख लो, दिमाग में बैठा लो ग्राफ, अपने ग्राफ में अपने दिमाग को अपने ग्राफ में अपने दिमाग को नहीं, नहीं हाँ मतलब अपने दिमाग में इस ग्राफ को बैठा लो, फिर आपने एंथैल्पी का रिलेशन देखा
आपने सब कूल्ड अंडर कूल्ड और कंप्रेस लिक्विड का रिलेशन देखा, आपने वेट रीजन का स्पेसिफिक एंट्रोपी का रिलेशन देखा, फिर आपने यहाँ पर वेपर रीजन का देखा। अब मुझे आप लोग, जैसे ये वेपर रीजन का लिखा है मैंने वहां पर, अब आप मुझे यहाँ पर सुपर हीटेड रीजन का लिखा है मैंने यहाँ पर, अब मुझे यहाँ पर आप सुपर हीटेड रीजन है, ठीक है, वेपर रीजन मतलब सुपर हीटेड रीजन बात कर रहा हूं मैं। अब मुझे आप लोग यहाँ पर एसए की वैल्यू बताइए। चलो ट्राई करो अपनी नोटबुक पे, देख के लिखो। लिखो देख के। SF CP log of, वेरी गुड, बिल्कुल सही, सीपी ऑफ लिक्विड, बिल्कुल सही ऋषिकेश, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऋषिकेश ने बिल्कुल सही करा है, यस सीपी ऑफ लिक्विड होने वाला है, गुड। और लोग भी ट्राई करिए। चलिए लिखते हैं। सो यहां पर जो एस ए हो जाएगा दैट विल बी नथिंग बट एस एफ और एस बी माइनस सी पी लॉग ऑफ टी हायर अपॉन टी लोअर, टी बी और टी कैपिटल टी बात एक ही है, अपॉन टी है, ठीक है। यहां पर कैसे हमारे पास लिक्विड, लिक्विड कंडीशन वाला यहां पर सीपी आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास रिलेशंस आ गए हैं, एंड दिस रिलेशन विच विल बी वी विल बी यूजिंग इन अवर कैलकुलेशंस। सब कूल्ड रीजन, ठीक। चलो न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। करो शुरू हो जाओ। शुरू हो जाइए।
हुआ कोई तो निकालो आंसर, इतना भी टफ नहीं है। अ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर सेट एट 2 डिग्री हैंडल्स ऑन द एवरेज थर्मल लोड ऑफ 8,000 kJ/h. द एम्बियंट टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेंटीग्रेड. द सीओपी ऑफ द रेफ्रिजरेटर इज इक्वल टू 0.15 टाइम्स दैट ऑफ कारनॉट. द इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन इन किलो वॉट्स इज. हाँ करो. अरे कोई तो करेगा, चलो मैं ही करता हूं. सो अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि भाई जो सीओपी एक्चुअल है, सीओपी एक्चुअल है दैट इज 0.15 टाइम्स ऑफ आइडियल सीओपी. सो आइडियल सीओपी इज टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल. सो टीएल इज 273 प्लस 2 डिग्री सेंटीग्रेड अपॉन 30 माइनस. यस एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही ऑप्शन है अभिषेक. सो 30 माइनस ऑफ 2 राइट. So, यहां से आपके पास कितनी आ रही है सीओपी, 1 पॉइंट समथिंग आती है कैलसी. सो इट इज अराउंड 275 डिवाइडेड बाय 28 इनटू 0.15. सो 1.47 के आसपास आती है, 1.47 ठीक है. अब यही सीओपी क्या होती है, सीओपी इज डिफाइंड एज द डिजायर्ड इफेक्ट जो कि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है यहां पर अपॉन वर्क इनपुट. तो वर्क इनपुट ही हमसे ये पूछ रहा है ना. रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है यहां पर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज अराउंड 8,000 kJ/h. तो यहां से आपके पास जो वर्क इनपुट आएगा दैट विल बी 8,000 kJ/h को मैं जरा किलो जूल्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देता हूं, और जूल्स पर सेकेंड इज वॉट्स. तो आंसर इज इन किलो वॉट्स इंटू 1.47. So, इसको जरा 3600 से मल्टीप्लाई करो और 8000 से इसका डिवाइड कर दो, तो यहां से आएगा 1.508. आंसर विल बी बी पार्ट. क्लियर है? यस यस अभिषेक, बिल्कुल सही आंसर तुमने निकाला. इतना भी टफ क्वेश्चन नहीं था ये.
अच्छा सुनो, दूसरा ये, कभी कभी वो बोल सकता है 8,000 किलो जूल्स पर डे। जैसे उससे सब क्वेश्चन एक है, उसमें एक गड़बड़ करी गई है, बट लेटर ऑन वी विल सी। अगला क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में कहता है कि एक सिस्टम दे रखा है और ये रिजर्वॉयर का टेम्परेचर कैपिटल टी इज गिवन एज 300 केल्विन। जो ये इंजन लगा है, इसकी एफिशिएंसी व्हेन इज द थर्मोडायनेमिक एफिशिएंसी एन ई नीटा ई ऑफ इंजन ई इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर आर। क्या आंसर होगा इसका बताइए। एक काम करो, ऑप्शन के ऑप्शन से हेल्प लो, पहले आर को एक बार हीट पंप लेके देखो और फिर एक बार आर को रेफ्रिजरेटर लेके देखो। किसी ने भी आंसर नहीं लगाया अभी तक। अरे कुछ अप्रोच बताओ, कुछ कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, सर आप करा दो, कुछ बोलोगे तभी तो फिर आगे बढ़ेंगे। ये ट्राई कर रहे हो, टाइम और चाहिए, कुछ कुछ तो बोलो।
चलिए मैं ही करा देता हूँ। सो पहले काम करो, इस आर को एज अ हीट पंप लेके देखो, ठीक है? सो व्हेन आर इज एक्टिंग एज अ हीट पंप, जब हीट पंप होगा तो इसके लिए सीओपी क्या होती है? टीएच, ये कितना दे रखा आपको? 300। टीएच अपॉन टीएच माइनस टीएल, टीएच कितना है? 300। 300 अपॉन 300 माइनस 150, तो ये आ जाएगी 2 सीओपी। और जरा एक बार आप आर को एज अ रेफ्रिजरेटर लेके देखो, तो सीओपी कितनी हो जाएगी? टीएल 150 अपॉन 300 माइनस 150। टीएल, टीएल कितना है? 150। सो इट विल बी नथिंग बट हाफ। ठीक, अब जरा बात करते हैं यहां पर एफिशिएंसी की। तो इस इंजन की एफिशिएंसी कितनी होने वाली है? सो इस इंजन की एफिशिएंसी होने वाली है, दैट विल बी नथिंग बट 1 माइनस टी लोअर अपॉन टी हायर। टी लोअर कितना है? 300, और टी हायर कितना है? 600, हाफ। सो वो कह रहा है रिवर्स होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए, रेसिप्रोकल होना चाहिए। सो रेसिप्रोकल होना चाहिए, रेसिप्रोकल विल बी व्हेन इट विल बी एक्टिंग एज अ हीट पंप और रेफ्रिजरेटर। क्या होगा? यही तो है ना, वन अपॉन एफिशिएंसी एज अ। सो आंसर विल बी, एक आया तो रेफ्रिजरेशन। हाँ, तो ये मेरे पास जो आर होगा वो एज अ हीट पंप काम करेगा, ऑप्शन नंबर ए इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। टू कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स आर एम्प्लॉयड, वन फॉर आइस मेकिंग एंड वन फॉर कंफर्ट कूलिंग। मतलब एक आइसक्रीम फैक्ट्री में लगा है और एक आपके घर में लगा है, सिंपल। तो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर आइस मेकिंग इज हायर देन दैट ऑफ दिस, बताइए क्या होगा? ये क्वेश्चन करा चुका हूं मैं कल, मुझसे कौन बोल रहा था कि सर एक क्वेश्चन करा दो इस कंसेप्ट पे, तो आ गया। क्या आंसर होगा बोलो? थक गए क्या? थको नहीं, पढ़ लो। ये सर्दियों में पता नहीं बाल कैसे अजीब से हो जाते हैं ना, अपने आप डिजाइन ना आए लगते हैं।
देखिए सिंपल फंडा है, सीओपी क्या होता है, टीएच टीएल अपॉन टीएच माइनस टीएल। मैं काम करता हूँ, टीएल को नीचे भेज देता हूँ फॉर इजी कैलकुलेशन। सो यहां से आ जाएगा टीएच टीएल माइनस वन। अब मुझे पता है कि सॉरी हायर कंडीशंस तो एटमॉस्फेरिक कंडीशन में डिपेंड होती है, तो यहां पर टीएच कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हम लोग इंडिया में बैठ के और स्विट्जरलैंड में कंपैरिजन कर रहे हैं, नहीं, नहीं, इंडिया में कंपैरिजन कर रहे हैं। तो टीएच इज अराउंड 40 डिग्री फिक्स है। अब टीएल है, टीएल हमको आइस मेकिंग में और कम चाहिए, तो आइस मेकिंग के लिए टीएल और कम होगा। अगर ये टीएल कम हुआ तो डिनोमिनेटर विल बी मोर, ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, मतलब कि सीओपी कम होगी। इसका मतलब कि आइस मेकिंग प्लांट की सीओपी कम होगी, आइस मेकिंग वाले जो है वो ज्यादा बिजली बिल दे रहे होंगे और वो कम। सो सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर फॉर आइस मेकिंग इज सेम, नहीं, सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर ऑफ आइस मेकिंग इज हायर देन दैट, द आंसर विल बी ए पार्ट। ए पार्ट होगा आंसर, क्या आंसर होगा बताओ। टू कार्नोट रेफ्रिजरेटर्स आर एम्प्लॉयड, वन फॉर आइस मेकिंग एंड अदर फॉर कंफर्ट कूलिंग। सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर फॉर आइस मेकिंग इज हायर देन दैट ऑफ अदर, नहीं, आइस मेकिंग की सीओपी कम होगी इसलिए ऑप्शन ए नहीं हो सकता। सीओपी ऑफ अ रेफ्रिजरेटर फॉर आइस मेकिंग इज लोअर देन दैट ऑफ अदर, एब्सोल्युटली करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए करिए। चलो अगला क्वेश्चन, अ कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क्स विद अ टेम्परेचर रेंज ऑफ -5 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन R12 एंड R717। अभी क्या है R12 717 ये हम लोग देखेंगे, ठीक है, इन द चैप्टर रेफ्रिजरेंट आफ्टर VCRS। सो बताइए, और तीसरा है यहां पर एलिमेंट एयर, तीसरा वर्किंग फ्लूइड है एयर, तो सीओपी ऑफ R12 इज ग्रेटर देन ऑफ सीओपी ऑफ R717, क्या आंसर होगा इसका। अरे ये तो बता दो, ये तो बड़ा आसान होगा। अरे भाई डिले कम हो गया यूट्यूब का, मैं देख रहा हूँ कि मेरा वीडियो जो मैं बोल रहा हूँ वो तुरंत आप लोग तक पहुंच रहा है, 1-2 सेकंड में पहुंच रहा है, पहले 15-20 सेकंड में पहुंचता था। इम्प्रूव हुआ है कुछ पहले से। लेक्चर को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करते रहिएगा। अच्छा ई भी है, ठीक चलिए, ठीक है, मुझे लगता है कि शायद आप लोग थक गए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास से, कल से, कल 2 बजे मिलिएगा, ठीक है। सो कल 2 बजे मैं क्लास शुरू कर दूंगा। हाँ, ऑप्शन नंबर थर्ड, यस एब्सोल्युटली, हाँ बिल्कुल सही। बेसिकली जो कार्नोट की जो रेफ्रिजरेटर होता है इज इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड। ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ वर्किंग फ्लूइड, एग्जैक्टली, बिल्कुल, क्योंकि सेम टेम्परेचर लिमिट है। ठीक है, चलो ठीक है, तो 8:30-9 बजे के बीच में हम लोग मिलेंगे अभ्यास करने के लिए, तो आना, अच्छे क्वेश्चन है अभ्यास में तब आना, और कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे, कल मैं VCR शुरू कर दूंगा। तो कल क्या है, 13 नवंबर,
13 नवंबर को 2 बजे हम लोग यहाँ मिलेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे और VCRS शुरू कर देंगे। तो भूलना नहीं, कल की क्लास इंपॉर्टेंट होगी और लंबी भी चलेगी, ठीक है? अभ्यास आ जाना। थैंक यू सो मच। लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड ऑफर्स का ध्यान रखिएगा, ये ऑफर्स आपको काफी हेल्प करेंगे अपने एग्जाम क्रैक करने के लिए। सो ये जो भी आपके ऑफर्स हैं, पहला ऑफर 3+1 का, ये स्पेशल प्राइस वीक, और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये 14 नवंबर का गारंटीड पार्टिसिपेशन, 15% डिस्काउंट, राइट? तो इसको जरूर आप लोग करिएगा। 14 नवंबर 11 बजे इसको छोड़िएगा नहीं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद। एंड लेक्चर को प्लीज लाइक कर देना यार, शेयर कर देना, शेयर करोगे तो ये मेरे लिए और मतलब इट विड बी अ, देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ना, मैं पूरा कंप्लीट है, आप कोई भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी आरएसी देखने के लिए, ये तो मैं आपको शेयर कर सकता हूँ, ठीक है? तो थोड़ा बहुत चीजें हैं वो तो थोड़ा बहुत आप लोग, कुछ चीजें हैं इक्विपमेंट वाली तो आपको थोड़ी पढ़नी पड़ेगी बुक से, बट कोई नहीं, वो भी मैं सप्लीमेंट प्रोवाइड करा दूंगा आपको, ठीक है? चलिए, थैंक यू। थैंक यू। लेक्चर को प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना, इट्स इंपॉर्टेंट।